कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिंस परस्ती की इब्तदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिसे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इबलीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी जुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावीन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वलहान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इबलीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और जुर्रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इबलीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दुन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सुदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इबलीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदि बन गए और वो रोजाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रुहबत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहि सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वाज़ो नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहि सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निजाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निजाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इबलीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इबलीस लईन ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत थी। इबलीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिंस परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की देगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुगबत न करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हमजिंस परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सुदूम और उमूरा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों औरतों के दरमियान हमजिंस परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ।
जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजिंस परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावीज कर गई, तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। सुदूम और उमूरा और उन इलाकों में होने वाले इस हमजिंस परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों यानी सोडोम एंड गुमूरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अक्कादी सहीफों और कदीम यूनान की तारीखी रिकॉर्ड्स में भी सुदूम के गुनहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सुदूम और उमूरा तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहाँ से हमजिंस परस्ती यानी होमोसेक्चुअलिटी का आगाज हुआ था, और इबलीस की बेटी लाकिस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हमजिंस परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लिस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सुदूम और उमूरा के बाद हमजिंस परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिंस परस्ती की सबसे ज्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बना और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिंसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता, और कवानीन इलाही के फायदे और बरकत को किसी इंसानी कानून के जरिया हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दादे तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें ये सबक देती है कि लूत अलैहि सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नेस्तो नाबूद कर दी गई। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।